सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये अमेज़ॉन का ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड जो है। तो ये जो है अमेज़ॉन जो है इसका टाइप है ICICI बैंक के साथ। तो ये क्रेडिट कार्ड आप कैसे मंगवाएं और क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए आपके जो चाहिए होंगे, क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों ये देखिए मेरा आ चुका है और मैंने जो है सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड एजेंट को दिया था, बस उसी बेस पर जो है मेरा क्रेडिट कार्ड आ गया है। इसके अलावा कोई भी सैलरी स्लिप वगैरह कुछ भी बैंक स्टेटमेंट ITR कुछ भी नहीं दिया। तो ये कैसे है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसको अप्लाई कैसे करना है मैं बता देता हूँ। और अप्लाई करने के लिए जो है आपको अमेज़ॉन की ऐप खोलना पड़ेगी। अमेज़ॉन की ऐप खोलोगे तो उसके बाद जो इसमें जो ऑप्शन आता है आपका अमेज़ॉन पे का, उस पर जाना पड़ेगा। उस पर से आप अप्लाई कर सकते हो और साथ ही इसकी वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी मैं बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से अप्लाई करना चाहते हो। तो इधर सबसे ऊपर ही ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई करने के लिए। और ये देखिए इधर पर ये दे रहा है अप्लाई एंड गेट 500 रुपीज़। मतलब जैसे ही अप्लाई करोगे और अप्रूव्ड हो जाएगा तो 500 रुपीज़ जो है आपके अमेज़ॉन पे में जो है ऐड हो जाएंगे ये अमाउंट। लेकिन अगर प्राइम मेंबरशिप आपने लेके रखी है, तो अगर आप प्राइम मेंबरशिप लेके नहीं रखी है मतलब नॉन प्राइम मेंबर हो तो सिर्फ 400 रुपये आएंगे। लेकिन मैं प्राइम मेंबर हूँ तो मेरे इधर 500 रुपये आए हैं। तो इधर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ स्टेटमेंट में ट्रांजेक्शन में जाके, तो थोड़ा नीचे देखिएगा और मैं खर्च भी कर चुका हूँ पैसे। ये देखिए अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड और ये देखिए प्लस 500 रुपये हैं। जैसा कि मैंने बताया मैं प्राइम मेंबर हूँ तो 500 रुपये आए। तो प्राइम मेंबर के अपने ही फायदे हैं दोस्तों। अगर 999 आप सालाना खर्च कर सकते हो तो प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए। अगर आप लेना चाह रहे हो तो इसको अप्लाई करने से पहले ले लीजिए तो आपको ये 500 रुपये भी मिल जाएंगे और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको। तो इधर से अप्लाई कर सकते हो आप। तो मैंने तो दोस्तों मैंने जो भी जो जो डिटेल मांगी थी, पैन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर वो सब डाल देना है आपको। और उसके अलावा जो भी डिटेल मांगे आपसे तो आपको डाल देना है। और उसके अलावा उसके बाद जो एक स्लॉट बुक करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट का, और जो भी टाइम और समय दोगे उस समय पर जो है एजेंट आपके घर पर आके KYC कर जाएगा और पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके चेक करेगा और फोटो कॉपी भी लेके जा सकता है। तो इधर जो है देखिए वेबसाइट से इस प्रकार से आपको अमेज़ॉन ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड डालना है गूगल पर जाके, और जैसे डालोगे तो ऊपर ही इसकी वेबसाइट आ जाएगी। तो वेबसाइट से अप्लाई करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, लैपटॉप या डेस्कटॉप से। तो अगर आपको लैपटॉप डेस्कटॉप पे जाके करना है तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो मैं इधर प्रेफर करूँगा कि आप ऐप से ही अप्लाई करो तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा मतलब आपको आसानी होगा। तो इधर से देखिए पूरे टर्म्स एंड कंडीशन इन्हें बताए हैं कि इधर से अप्लाई कर सकते हो और नीचे आप जो पूरा पढ़ लीजिएगा, 5% तक आपको कैशबैक या रिवॉर्ड्स पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे अगर आप प्राइम मेंबर हो तो। अगर आप प्राइम मेंबर नहीं हो तो आपको सिर्फ 3% का फ़ायदा मिलेगा, और प्राइम मेंबर हो तो 2% ज़्यादा मतलब 5% का फ़ायदा मिलेगा। मतलब आपको कैशबैक भी ज़्यादा मिलेगा और रिवॉर्ड्स पॉइंट्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं। तो ये हर आइटम में अप्लाई नहीं होगा दोस्तों। जब भी आप कुछ परचेस करने जाओगे ना तो एक बार देख लेना कि उस पर ये ऑफ़र है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपका ये कार्ड है तो आपको ऑफर मिलनी मिली। और ये एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ये जो कार्ड है ना ये कहीं भी यूज़ कर सकते हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे कोई परचेस करना हो, चाहे कोई दुकान पे आपको कोई सामान लेना हो। ऐसा नहीं कि अमेज़ॉन का है तो सिर्फ अमेज़ॉन पे ही ये काम करेगा। बस ये है कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह ज़्यादा मिलेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से प्रोसीड करोगे तो आपकी अमेज़ॉन की जो है ऐप खुल जाएगी, क्योंकि दोस्तों मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। और ये लैपटॉप डेस्कटॉप से करोगे तो आप वेबसाइट पर डायरेक्ट अमेज़ॉन की वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मोबाइल से करोगे तो आप अमेज़ॉन की ऐप से ही अप्लाई करें, अदरवाइज तो आप लैपटॉप से करोगे तो ये अमेज़ॉन की साइट पे पहुंचोगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये देखिए पूरा इन्होंने दिया है 5% और ये सब। तो अभी जो है दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इसको खोल के बता देता हूँ और आप का जो है एक मेन चीज़ बता दूं कि इसमें कोई बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ICICI बैंक में जो है आपका अकाउंट होना चाहिए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा भी जो है SBI में अकाउंट है, ICICI बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं है। ICICI बैंक में आज तक मैंने कोई अकाउंट नहीं खुलवाया और पहले ही 4,14,000 की मुझे लिमिट मिल गई थी। मतलब जैसे ही अप्रूव्ड हुआ था वैसे ही लिखा आ गया था कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो गया और 4,14,000 की आपको लिमिट मिल गई है। और ये देखिए दोस्तों सिविल स्कोर में बता देता हूँ, सिविल स्कोर मेरा अच्छा था इसलिए क्रेडिट कार्ड आने से पहले अप्रूव हो गया था, बस KYC पेंडिंग थी मेरी। तो ये पैसा बाजार है, कोई भी वेबसाइट है उससे जो है क्रेडिट कार्ड का आप स्कोर जो है, मेरा मतलब है आपका सिविल स्कोर जो है जान सकते हो, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट क्या है। तो ये देखिए आपने कभी लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड है तो सिविल स्कोर होना मेरा मतलब अच्छा होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है।
तो ये देखिए मेरा सब में गुड और एक्सीलेंट है, गुड और एक्सीलेंट होना चाहिए, और ये तीन यूनियन और हैं एक्सपीरियन, क्रिफ और इकोफैक्स, इनमें भी जो है आपका गुड और एक्सीलेंट जो है आपके क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं तो हो सकता है आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे, जैसे कि आपकी सैलरी स्लिप आखिरी 3 महीने की, बैंक का स्टेटमेंट आखिरी 6 महीने का, और ITR वगैरह भी मांग सकते हैं। लेकिन मेरे से कुछ भी नहीं मांगा, मेरी सिर्फ KYC हुई है बस, और पहले ही क्रेडिट कार्ड आया नहीं, उसके पहले ही लिमिट वगैरह सब उन्होंने बता दिया कि आपकी इतनी लिमिट और अप्रूव्ड हो गया है, बस आपको KYC कराना है, और जैसे KYC होती है उसके 5 या 6 दिन के अंदर आपके घर पे क्रेडिट कार्ड आ जाता है। वो सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी बैंक में अकाउंट नहीं, मैंने मेरा मतलब अगर बैंक में अकाउंट नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। कई लोग पूछते हैं कि भैया ICICI बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए अकाउंट होना चाहिए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिविल स्कोर जो है आपका अच्छा होना चाहिए, अगर पहले से कार्ड है, अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका सिविल स्कोर का कोई लेना देना नहीं है अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो। और उस कंडीशन में आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो 3 महीने की सैलरी स्लिप और 3 या 6 महीने का आपका आखिरी का बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, और बिजनेस करते हैं तो ITR वगैरह मांगेंगे। तो इधर मेरे पास पहले से और भी क्रेडिट कार्ड है, और तो उनका टाइमली जो है मैं पेमेंट करता हूँ, पैसा जमा करता हूँ, तो मेरा सिविल स्कोर अच्छा था तो उसी बेस पे मेरा बन गया है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और अभी भी कोई डाउट है तो बिल्कुल मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट द्वारा जवाब दूंगा। और अगर दोस्तों इस टाइप से आपको और भी वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप से और भी आने वाले समय में वीडियो बनाते रहूँ। और ये देखिए मेरे पास मैसेज वगैरह आते गए, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे जैसे आप प्रोसेस में आगे बढ़ोगे, और पिन नंबर भी आ जाता है पहले ही, क्रेडिट कार्ड के आने के पहले पिन नंबर आ जाता है, बाद में आपको चेंज करना रहता है, मैंने चेंज कर दिया है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर टेक।